हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8, प्लीज टेक आउट योर मैथ्स बुक। एक्सरसाइज 5.1, पेज नंबर 82। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोएफिशिएंट इन द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अच्छा, ये सारा सब जो दिया गया है ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, इनमें से तुमको टर्म और उसका कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा आइडेंटिफाई करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं इनमें से। अच्छा, फर्स्ट है 12 + x + y² - zx। ठीक है, तो इसमें 12 है टर्म और कोफिशियंट है 1। ठीक है, ठीक है, नंबर 1 में है 12, मतलब क्या है जो इक्वेशन है वो है 12 + x + y² - zx। ये चारों ही टर्म में बैठेगा। टर्म का मतलब कितना सारा टर्म है, इसमें है चार ठो टर्म, 1, 2, 3, 4, चार ठो टर्म है। ये चारों ही टर्म के जगह बैठेगा। देखो 12 x y² z x, ठीक है। अब इसका कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का मतलब होता है ये जो टर्म है, जितना सारा टर्म है इसके आगे, देखो ये तो सिर्फ x है तो इसके आगे कितना मल्टीप्लीकेशन है, 1 है। ठीक है, तो 1 × x, इसका भी 1 ही होगा, इसका भी 1 होगा। 12 का क्या है, ये 12 है, 12 के साथ 12 तो टर्म है, उसका कितना कोएफिशिएंट होगा, उसका भी 1 होगा। तो ये जितना सारा टर्म है उसके हिसाब से कोएफिशिएंट सभी में ए 1 होगा। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा अभी समझ में प्रॉब्लम होगा, नंबर बी जब जाओगे तब समझ में आ जाएगा। नंबर बी में देखो क्या है, 4 x² y - 7 x³ + 3 y⁴। इसमें क्या है, ये तीनों जितना है ये सारा टर्म है, इनमें से कोफिशियंट कित क्या है, ये जो वेरिएबल होता है एक्स स्क्वायर वाई, ये सब है, इसके साथ कौन सा डिजिट है 4, तो ये 4, 7, 3 ये सारा है कोएफिशिएंट। ठीक है, तो बी में कैसे लिखना पड़ेगा, 4 x² y 7 x³ 3 y⁴। उसके साथ देखो कोएफिशिएंट क्या है, इसका इसका है 4 है इसका, तो इधर 4 बैठा है। इसका कितना है 7, तो इधर 7 बैठा है। इसका कितना है 3, तो इधर 3 बैठा है। तो आई थिंक अभी तुम लोग समझ गए हो व्हाट इज टर्म्स एंड व्हाट इज कोएफिशिएंट। ओके, तो बाकी जितना है सी और डी वो तुम लोग खुद कर सकते हो, खुद कर लेना। ठीक है, अच्छा देखो नंबर 2 में है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें तुमको क्लासिफाई करना है कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है और कौन सा ट्राइनोमियल। ये मैं करके नहीं दिखाऊंगी, ये तुम लोग को बोल दूंगी, तुम लोग कर लो, जिसको मैं समझा देती हूँ जिसको जिसको आ रहा है कर लो, अदरवाइज मैं डिक्टेट कर रही हूँ लिख लो। देखो इसमें पहला है मोनोमियल, मोनोमियल मतलब ये जैसा टर्म है ना, ये जैसा टर्म है इसमें एक होगा, एक, उसके ज्यादा नहीं होगा, एक होगा। जैसे देखो नंबर सी वाला एक ही है, एक ही टर्म है, दैट इज मोनोमियल। मोनो का मतलब, ये मोनो का मतलब होता है 1। ठीक है, तो जिसमें एक ही टर्म रहेगा वो होगा मोनोमियल। अभी बाइनोमियल मतलब, बाई का मतलब 2, बाई का मतलब हुआ 2। जैसे देखो ये वाला ए नंबर का है, एफ नंबर का है, ये सारा है बाइनोमियल्स, मतलब इसमें दो दो टर्म्स है, तो जिसमें दो टर्म्स रहेगा वो होगा बाइनोमियल्स। ट्राई का मतलब 3, जिसमें तीन टर्म्स होगा उसको बोला जाएगा ट्राइनोमियल्स। तो अभी देखो मेरे साथ बोलो, नंबर ए क्या है, 2 है बाइनोमियल्स, नंबर बी में 3 है ट्राइनोमियल्स, नंबर सी में 4, 24 एक है तो मोनोमियल्स, डी में भी मोनोमियल्स एक है, ई में कितना है 3, दैट इज ट्राइनोमियल्स, एफ में 2 है बाइनोमियल्स, ये वाला 3 है ये है ट्राइनोमियल्स, और ये वाला में एक है ये है मोनोमियल्स। ओके क्लियर, तो ये वाला नंबर 2 का हो गया, तुम लोग लिख लो। ठीक है, इधर ऐसा लिखोगे इधर डैश देके लिखना है बाइनोमियल्स जो है वो लिखना है। ठीक है, राइट टू लाइक टर्म्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन टर्म्स। अभी देखो 8xy, तुमको इसके जैसा लाइक, इसके जैसा लिखना है, 8xy है इसके, तुम लिख सकते हो 2xy, 4xy, ये सब लिख सकते हो। कैसे लिखना है, नंबर 1 का देखो 8xy, 2xy, 4xy। ठीक है, कैसे लिखना है, ये 2 है, ये 2 से हम लोग इसको कर सकते हैं, 8, 4 2 8,
4 2 8, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं. ओके अभी देखो दूसरा वाला है बी 5x2y³. इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं 1 से, ये तो 1 से जा सकता है 5, तो x2y³, तो ये इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है. तो ये एक लिख सकते हैं, और एक लिख सकते हैं 10x2y³, इसका क्या हुआ 5 2 10, ऐसा हो सकता है. ओके नंबर सी का मैं नहीं कर रही हूँ, नंबर सी का तुम लोग खुद कर सकते हो. इधर 4 है, एक तो तुम कर सकते हो -2 दे के एक कर सकते हो -2xy²z⁴ एक कर सकते हो, अदरवाइज एक कर सकते हो -8 से, ठीक है -8xy²z⁴ ऐसा कर सकते हो, ठीक है. तो एक्सरसाइज 5.1 खत्म हो गया, अभी हम लोग 5.2 में चलते हैं. ओके 5.1 कंप्लीटेड.